जन्माष्टमी के मौके पर वैसे तो राधा कृष्ण के हर मंदिर में विशेष श्रृंगार किया जाता है, लेकिन ग्वालियर का रियासतकालीन गोपाल मंदिर इस मामले में थोड़ा अलग है। यहाँ जन्माष्टमी के मौके पर हर साल 100 करोड़ से ज़्यादा कीमत के आभूषणों से राधा और कृष्ण का श्रृंगार होता है। इस मंदिर की स्थापना 1921 में सिंधिया वंश के तत्कालीन शासक माधवराव प्रथम ने की थी। उस दौरान राधा और कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये आभूषण मंदिर को दिए गए थे, जिसमें भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन, पहनने के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण, 55 पन्ना और 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी, सोने की नथ और जंजीर शामिल हैं। इस मंदिर की स्थापना 1921 में सिंधिया परिवार ने की थी। उसके बाद उसके प्रसवराज जो है इसमें यह 1925 में यह गहने बने थे, यह आभूषण भगवान जी के। इसी कारणवश जो है वो आभूषण जो है भगवान जी जो है ने यह 1907 में पहने। उन आभूषणों में जो है हीरे पन्ने जवाहरात सोने के मुगुर बहुत बहुमूल्य जो है रत्न हीरे जड़ित जो है आभूषण है वो, जिनकी जो है श्रृंगार भगवान जो है सोमवार जो है 30 तारीख को जन्माष्टमी के अवसर पर जो है 12 बजे करेंगे। उसकी उपरांत जो है आरती होगी, आरती के बाद जो है प्रसाद वितरण होगा और आम जनता के लिए जो है 30 दर्शन के लिए जो है प्रारंभ कर हो जाएगा। वो अतीत में सिंधिया परिवार के जो है अतीत में सिंधिया परिवार से जो है इसकी पूजा अर्चना की व्यवस्था थी, उसके बच्चा जो है ये मंदिर जो है नगर निगम में जो है चला गया। उसके बाद जो है नगर निगम इसकी जो है देख रेख कर रहा है और सब जो है व्यवस्थाएँ नगर निगम के जो है हिसाब से चलती हैं। यहाँ पर इसके आभूषण जो है 2 सोने के मुकुट हैं, छड़ी है सोने की, 67 डिग्री पन्ने का हार है और कई बहुमूल्य आभूषण हैं। देश के आज़ाद होने से पहले इन आभूषणों से हर दिन राधा कृष्ण का श्रृंगार होता था, लेकिन आज़ादी के बाद इन्हें बैंक के लॉकर में रख दिया गया। साल 2007 में मंदिर नगर निगम की देखरेख में आया तो फिर से पुरानी परंपरा शुरू की गई। हर जन्माष्टमी में आभूषणों को बैंक लॉकर से निकाल कर राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। इस मंदिर ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है और भगवान का सबसे प्राचीन मंदिर में समझो आप इसको। देखो हम तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए जन्माष्टमी और हम तो रोज ही आने वाले भक्त हैं, इसलिए हमें उस दिन भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से सभी मनाते हैं। साल में एक बार होने वाले इस आयोजन को देखने के लिए हर साल जन्माष्टमी पर लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा विदेशी पर्यटक भी होते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर आभूषणों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया जाता है। अनिल गौर, ETV भारत, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।